हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये शो करेंगे कि TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है। तो आप याद कीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास में दो कंडीशन है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो देखिए, मेरे पास में ये लेजर लाइट है और लेजर लाइट से हम लाइट को ट्रेवल करवाते हैं यहाँ से वाटर में। तो ये वाटर का जो ऊपर वाला सरफेस है ये सेपरेट कर रहा है डेंसर और रेयर मीडियम को। अब देखिए, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नीचे ही आएगी इस सरफेस, वो सरफेस जो वाटर और एयर, यहाँ ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये सरफेस जो इन दोनों को सेपरेट करता है वाटर और एयर को। वाटर डेंसर हो गया, एयर ऊपर कौन सी हो जाएगी, रेयर मीडियम। तो ये सरफेस इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे ही वापस आ जाती है। ये कौन सी कंडीशन में होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल से। नहीं तो अगर अदरवाइज क्या होता, लाइट सीधी चली जाएगी। देखिए, आप यहाँ पर सीधी जा रही है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे किसी एक एंगल पे, क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। और इसी फिनोमेना का नाम क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।